नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुपरटेक एमरोल्ड के ट्विन टावर को ध्वस्त करने का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने, नोएडा अथॉरिटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो 29 से 4 सितंबर के बीच ध्वस्त किया जाएगा। तो सुपरटेक एमरोल्ड के ट्विन टावर को ध्वस्त करने का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। तो 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो 29 से 4 सितंबर के बीच ध्वस्त किया जाएगा इन टावरों को। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। तो नितिन, सुपरटेक एमरोल्ड के ट्विन टावर को ध्वस्त करने का ये मामला है, काफी समय से चलता आ रहा है, तो ध्वस्त करने को लेकर अथॉरिटी ने भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बिल्कुल, नोएडा से सुपरटेक जो ट्विन टावर है उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि ट्विन टावर को गिराने की जो कार्रवाई है 21 अगस्त दी गई थी, लेकिन अब उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 28 अगस्त की गई जाएगी, लेकिन इसका ब्लास्ट करके गिराया जाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक इसके बाद जो बताने की उसकी जो डेट है उस पर जो काफी जो सामना करना पड़ा, 29 अगस्त से 28 अगस्त की तक गिराए जाने की जो तारीख है, लेकिन उसके बाद 29 से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है, क्योंकि कार्रवाई जैसे या सरकारी कोई चाहते हैं तो कोई जो जानकारी दी गई है 29 अगस्त तक या 4 सितंबर तक के समय दिया गया। तो 28 अगस्त को ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। तो कई बार जो है नितिन, ये देखा गया है तारीखों पे तारीख आई है, ध्वस्त करने की तारीखें भी बदली गई है। तो 28 अगस्त को क्या मोहर पूरी तरह से लग चुकी है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हो कि तारीख पर तारीख ली गई है, तो तारीख पर तारीख पर ली गई थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पहले 21 अगस्त ली गई थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ टेक्निक की वजह से 28 अगस्त कर दी गई कि ट्विन टावर को गिराने के लिए 28 अगस्त कर दिया जाता है। लेकिन उसके मुताबिक जो है अथॉरिटी की तरफ से 4 दिन की जो डेट आती है, 3 दिन और बढ़ाने की जो बातें यहाँ पर कही गई है, कि इसको लेकर जो है कि 29 अगस्त में जो 28 अगस्त की जो कार्रवाई नहीं होती है तो उसके जो डेट है थोड़ा सा 29 से 4 सितंबर तक इसको जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा, या बम ब्लास्ट लगा के इसको ध्वस्त किया जाएगा। जो आसपास के लोग हैं उन पर जो पूरी तरीके से सख्ती करा दी गई कि जिस तरीके से ट्विन टावर बना था अवैध तरीके से बनाया हुआ था, तो पार्क के अंदर बना था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का सामना आ रहा था, तो उसी को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने जो है इसकी डेट के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है इजाजत मांगी कि 29 अगस्त इसमें दी जाएगी। जी, क्योंकि नितिन ये काफी पहले का मामला है और काफी लोगों ने इसमें फ्लैट भी बुक करा लिया था, तो जिन्होंने फ्लैट बुकिंग कराई थी और जिनके पैसे अभी भी फंसे हुए हैं, क्या उन सबको पैसे वापस दिए जा चुके हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोग उन्होंने जो है अपना यहाँ पर सुपरटेक ट्विन टावर के अंदर जो फ्लैट्स खरीदे हैं, और जो बायर्स हैं उन्होंने जो पैसे अपने यहाँ पर दिए गए थे, तो लेकिन जो बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से अभी जो पैसे इसमें जो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि जिस तरीके से यहाँ पर पैसे इसमें फंसाए गए हैं, लोगों ने अपना आलिशान बंगला यहाँ पर लेने की लिया है, उसमें जो मकान लिया है, तो उसके जो पैसे हैं तो पैसे दिए जाएंगे और ब्याज के सहित जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो ब्याज है वो ब्याज के सहित ये पैसे यहाँ पर दिए लौटाए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो बिल्डर्स हैं वो अभी फिलहाल जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जो पैसा है, जिस लोगों ने जो पैसे यहाँ पर फंसा है फ्लैट ले रहे हैं, उनके जो पैसे हैं पूरे जो है पैसे दिए जाएंगे और ब्याज भी दिया जाएगा। तो नितिन, किस तरह से ध्वस्तीकरण का ये काम किया जाएगा, क्योंकि काफी मंजिला ये इमारत है, तो ध्वस्तीकरण के काम के समय क्या लोगों से भी टावर जो बाकी टावर है वो खाली करवाए जाएंगे, तो किस तरह से ये ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 34 मंजिला जो टावर है ये सुपरटेक ट्विन टावर बनाया गया है, तो जो आसपास के यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो आसपास में जो टावर्स बने हुए हैं, तो उनका जो बीमा है वो यहाँ नोएडा प्राधिकरण नोएडा अथॉरिटी की तरफ से करा दिया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर ट्विन टावर जो गिराया जाएगा, तो उसको लेकर जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं, उनके जो पारिवारिक लोग रह रहे हैं, उनके जो मकान का जो बीमा है वो यहाँ पर कराया गया है, लोगों को पैसे दिए जाएंगे। यदि उनके मकानों में कोई दिक्कतें आती हैं या कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनका जो पहले इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कराया गया है। यहाँ पर जो है काफी मकाने बने हुए हैं आसपास के जो एरिया, उसमें जो काफी टावर्स बने हुए हैं, तो सभी लोगों का जो है यहाँ पर इंश्योरेंस कराया गया है कि जिस तरीके से ट्विन टावर जो ध्वस्त कराया जाएगा, उसको ब्लास्ट कराया जाएगा, उसमें जो है बम के द्वारा जो मशीन है, बम स्पोर्ट्स की जो टीम है वो वहां पर पहुंचेगी, सभी चीज का दायरा कर लिया, अभी कुछ दिन पहले भी इसकी
ट्रायल जो है यहाँ पर कराई गई थी, तो उसमें जो है कह दिया गया था कि तो इसमें 30 से 40 सेकंड का जो समय वो लगेगा ध्वस्त करने के लिए, लेकिन आसपास के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो काफी लोगों को डरा हुआ माहौल है कि जिस तरीके से ट्विन टावर यहाँ पर गिरेगा तो इसमें जो आसपास के लोगों की जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसी को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने जो है तो नोएडा की जो सीएम रितु महेश्वरी उन्होंने जो है इन लोगों का सभी का जो है बीमा कराया गया कि इंश्योरेंस करा दिया है इसमें चीज को लेकर की ट्विन टावर गिरने से पहले इनका इंश्योरेंस यहाँ पर करा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ दारोगा ने छेड़छाड़ की है। तो छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है जहां पर महिला सिपाही के साथ दारोगा ने ही छेड़छाड़ कर दी। तो आरोपी दारोगा एटा जनपद के अलीगंज थाने में तैनात है। आरोपी सिपाही के कमरे पर गया था और पीड़ित महिला सिपाही ने आरोपी दारोगा के खिलाफ रसूलपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। तो महिला सिपाही का डॉक्टरी परीक्षण भी कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला सिपाही फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात है, वो नगर में किराए पर अकेली रहती है। तो दारोगा इरफान अहमद के खिलाफ पीड़ित महिला सिपाही द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि वो बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कमरे पर अकेली थी, जिस दौरान दारोगा इरफान अहमद उसके कमरे पर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तो फिरोजाबाद से काफी शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है जहां पर महिला सिपाही से एटा के ही दारोगा ने छेड़छाड़ कर दी। तो महिला सिपाही के घर पर अचानक से दारोगा पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की उसने कोशिश की है। तो फिरोजाबाद के थाने में तैनात है पीड़ित सिपाही। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल क्या है पूरी खबर? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र का है जहाँ इरफान अहमद है उनके खिलाफ एक महिला आरक्षी उसने आरोप लगाया है कि महिला विधायक दरोगा द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने दरोगा को हिरासत ले लिया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, सीओ को जांच दे दी गई है और पूरे मामले में पुलिस अभी थाना की भर्ती कर रही है। जी। तो आरोपी दारोगा की तरफ से क्या कुछ सामने आया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर है? जी बिल्कुल, साफ तौर कह सकते हैं पुलिस महकमे के लिए जहाँ कानून के रक्षक ही बच्चा खोलने का काम करेंगे, पहले आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक दरोगा द्वारा एक महिला के द्वारा ये घटना सामने आई है, बड़ा सवाल है और पुलिस पूरे मामले में बिल्कुल अतुल काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस तरह की हरकतें अगर पुलिस के द्वारा की जाएगी, अगर महिला पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाओं का क्या, जो आम जनता है उनका क्या, तो इस पर ही काफी सवाल खड़े हो जाते हैं अतुल। जी बिल्कुल, साफ तौर से कह सकते हैं कानून जिस तरीके कानून जिनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई है वो इस तरह की घटना अगर करते हैं तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है और जनता के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जो रक्षक है वो ही अगर बच्चा खोने का काम करेंगे तो जनता आखिर किसके हाथों में महफूज होगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और पुलिस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। जब एसएसपी से हमारी बात हुई है तो एसएसपी इसमें पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी तो महिला का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि आरोपी को पकड़ा जा चुका है, आरोपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तो महिला इस पर क्या कह रही है? महिला ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि दरोगा उनके मकान पर आए थे और छेड़छाड़ करने लगे थे, तो महिला ने पूरे साफ तौर से लिखित शिकायत दी है। लिखित शिकायत पुलिस ने आरोपी दरोगा को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। और तो अतुल जो ये आरोपी दरोगा है इसके खिलाफ क्या किसी और महिला ने भी इस तरह का शिकायत पहले भी दर्ज कराई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से अभी ये कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके से हमारी बात एसएसपी फिरोजाबाद से हुई है तो वो पूरे कार्रवाई की बात कर रहे हैं और जांच की बात कार्रवाई है उसके लिए भी जांच की जा रही है और सीओ को बनाया गया, जांच सीओ को दे दी गई है और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रोहतास से खबर है जहां पर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। तो जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी का प्रदर्शन जारी, तो नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेपी के लोगों ने जनादेश से विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया है। तो पलटू है बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से।
तो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है, तो साथ ही विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों ने जनादेश से विश्वासघात करने का नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पलटू है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी भी मुखर हो गई है, तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो बीजेपी लगातार 3 दिनों तक नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। तो नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेपी के लोगों ने जनादेश से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, और साथ ही कहा है कि पलटू है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी ने पलटू राम की संज्ञा दी है, तो पलटू राम कहा जा रहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। और साथ ही बीजेपी लगातार ये कह रही है कि लोगों से उन्होंने धोखा किया है और विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता दयानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दयानंद, क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है विश्वासघात का आरोप भी लगाया जा रहा है, तो शपथ लेने के बाद अब बीजेपी भी मुखर हो गई है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी, आप सासाराम में कलेक्ट्रेट के सामने जो बीजेपी है आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ छोड़ने पर उनके विरोध में जो है धरना शुरू कर दिया है, और धरना में लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहां के भाजपा के सांसद छेदी पासवान जी थे, उन्होंने भी पलटू राम का आरोप लगाया है। उनके साथ कई भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद थे, प्रदेश के वहां से ओबीसी के भी नेता आए हुए हैं। यहां पर प्रदेश और जिला स्तरीय दोनों नेता पहुंचे हुए हैं जो भाजपा के यहां पर जो धरना जो चल रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ में, और लोगों का कहना है कि जो बिहार की जनता है अगले चुनाव में नीतीश कुमार को सिखाएगी, क्योंकि इसलिए कि बार बार इनको पलटी मारने की आदत हो गई है। जी दयानंद, क्योंकि पहले बीजेपी अपने मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रही थी, अब कलेक्ट्रेट के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि प्रदर्शन लगातार जारी है लेकिन जगह अलग अलग जो है चुनी जा रही है। जी, सासाराम में जो है आज ठीक कलेक्ट्रेट के सामने जो प्राइम इंस्टीट्यूट है वहीं पर जो भाजपा पहले से ही ऐलान किया था, और आज जो है वहां पर व्यापक धरना दे रही है। जी दयानंद जी, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि जाम की स्थिति काफी बनी हुई है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन विरोध प्रदर्शन के चलते। हाँ, प्रदर्शन के चलते जो है आमजनों का परेशानी बढ़ गया है, क्योंकि प्रदर्शन के कारण जो है भाजपा के इधर उधर जो वाहनों का जो लंबी कतार लग जा रही है जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन पुलिस जो है इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज भी सेम ही तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि कल भी 200 मीटर तक ये लंबा जाम दिखाई दे रहा था, लोग काफी परेशान थे, लोगों का कहना था कि जो 1 घंटे में पूरी दूरी जो है वो पूरी हो रही थी उसे कई घंटों का सफर बना दिया गया है इस विरोध प्रदर्शन से, तो लोग काफी ज्यादा परेशान है इसके चलते। जी, भाजपा के जो है इस धरना प्रदर्शन के कारण लोग जाम होने से लोग काफी परेशान है आमजन, और भाजपा जो है यह आरोप लगा रही है कि इससे जनता की परेशानी इसलिए हो रही है कि जो बिहार में नीतीश सरकार जो है राजद से गठबंधन कर लिया है, जो पूर्व की जो मतलब कि लोग भ्रष्टाचारी थे और पूरी तरह से जंगल राज था, इसको लेकर लोग उन्हीं से गठबंधन किए हैं। तो दयानंद जी, कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जिस तरह से अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपसे जानना चाहूंगी इसके पीछे का मंशा क्या है, क्योंकि जहां तक अगर देखा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, तो क्या बीजेपी को आगे की रणनीति तैयार नहीं करनी चाहिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या बताई जा रही है पूरी? बिहार सासाराम में जो बीजेपी का जो प्रदर्शन है आज वहां पर भाजपा के प्रदेश के जो ओबीसी अध्यक्ष है बिहार के वो पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे यह सवाल पूछा कि ये बताइए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान हुआ है और इसको लेकर जो है जनता को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है बिहार में बार बार पलटी मार रहे हैं। जी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि बार बार पलटू राम तो उन्होंने पहले ही कह दिया है नीतीश कुमार को, तो बिहार की जनता को भी एक तरह से दिखाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि बिहार के सीएम कभी भी पलट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए दयानंद।
तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उनके मन में कोई भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है ही नहीं, तो विपक्ष के लोग एक हो जाएं। बहुत सारे लोगों से उनकी बातचीत भी चल रही है। तो पटना में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पे बोले हैं नीतीश कुमार, कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हूँ प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ। देखिए भाई एक बात हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, अब जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता हूँ प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चले, विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे। तो पटना से नीतीश कुमार ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई मंशा ही नहीं है और ना ही वो उम्मीदवारी के लिए आगे आएंगे। तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर लगातार सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी मंशा थी, तो अब उन्होंने उसी का जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पद की उन्हें कोई उम्मीदवारी की कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है और प्रधानमंत्री वो बनना ही नहीं चाहते हैं। तो विपक्ष के लोगों से उन्होंने एकजुट होकर आगे आने की भी अपील की है। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी भी मुखर हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, तो इसी को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री की, कोई भी बनने की मेरी इच्छा ही नहीं है। तो विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने एकजुट होकर आगे आने की अपील की है। तो महागठबंधन की सरकार बनते ही बीजेपी भी मुखर हो गई है, लगातार जो है नीतीश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी धोखेबाज कहा जा रहा है, कभी पलटू राम की संज्ञा दी जा रही है। तो वही नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की कोई इच्छा ही नहीं है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, तो प्रधानमंत्री पद को लेकर भी नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पे नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मेरे मन में कोई भी ऐसी इच्छा ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, विपक्ष के लोगों से, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर आगे आने की अपील की है। तो आगामी चुनावों को देखते हुए नीतीश कुमार ने सभी से अपील की है, सभी दलों से वो अपील करते हुए नजर आए, विपक्षों से अपील करते हुए नजर आए कि एकजुट होकर आगे आए। हमारा काम चलिए सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा आपको भी सुनाते हैं। हत्या करके किस प्रकार टोयोटा के शोरूम पे लूट होती है और मुजफ्फरपुर में ओराई चौक पर दो तिरंगे को लेकर आप सबने देखा, अभी तिरंगे के विषय में माननीय अरुण जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सबने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स, जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या लूट डकैती
इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक वीडियो आज सोशल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है, कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है, कई जनता ने भी ट्वीट किया है। बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। तो जंगल राज रिटर्न्स के बाद अब हम अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और ये जो फ्रीबीज की कहानी अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते हैं उसके विषय में बताना आवश्यक है। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर स्कीम क्या है, बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट का अर्थ होता है कि एक टारगेटेड ग्रुप को, एक टारगेट ग्रुप है जो इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उसको सबल कैसे बनाया जाए, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके अपने पांव पर वो ग्रुप जो है वो खड़ा हो सके, एक टारगेट ग्रुप के लिए काम करना, उसके लिए गवर्नेंस करना, उसके लिए विषय भेजना, ये बेनिफिट है, ये वेलफेयर स्कीम है। मगर जो फ्रीबीज होता है वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और जो मुख्य उद्देश्य होता है वेलफेयर स्कीम का, वो क्या होता है, बेनिफिट का क्या होता है, कि किस प्रकार से सस्टेनेबल बेनिफिट दे करके इकोनॉमिकल रूप से एक वर्ग को सस्टेनेबल लाइफ अर्थात आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए उसे अपने पांव पे खड़ा करना। जैसे गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ जनता जो पेंडेमिक के समय, कोविड के समय एक ऐसी परिस्थिति में थी कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें टारगेट करके उनके लिए राशन नहीं भेजते तो आज उनकी परिस्थिति किस प्रकार की होती, वो अचिंतनीय हो जाती। ये होता है टारगेटेड डिलीवरी। और सबके लिए समान रूप से अपने बेनिफिट के लिए, मतलब मुझे राजसत्ता मिल जाए, इस उद्देश्य से किया हुआ कार्य फ्रीबी कहलाता है, ये मुफ्तखोरी कहलाता है। आप देखिए, फ्रीबीज को आप अगर डिफाइन करिएगा, परिभाषित करिएगा, उसका अर्थ निकलेगा नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समूह के लिए, देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। किसका है, एक व्यक्ति का या एक पार्टी का। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए,